सो गाइज, ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो ऑर्गेनिक के अंदर बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज करने के चांसेस रखते हैं? सो डेफिनेटली देर आर सम इजी टॉपिक्स इन एवरी सब्जेक्ट विच कैन हेल्प यू इन गेनिंग मोर मार्क्स देन यूजुअल वॉट एवर यू आर गेटिंग इन लेस टाइम. सो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज़ स्टीरियो केमिस्ट्री, राइट? जो सिंपल कन्फिग्रेशन बताना है जहाँ पे, या फिर लेट्स से RS नॉमेनक्लेचर, ऑल दोज थिंग्स सिंपल, इनान्शोमेरिक एक्सेस, ऑल दोज सिंपल टॉपिक्स, राइट? देन देर इज एरोमेटिसिटी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, रिपीटेड क्वेश्चन है. देन देर आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स. आई नो यू डोंट वॉन्ट टू स्टडी दिस टॉपिक, इसका लास्ट प्रायोरिटी रहता है, बट दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन CSIR नेट गेट एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंटली इन TIFR एग्जामिनेशन. सो प्लीज़ कंप्लीट दिस टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स. ऑल्सो गाइज, पेरीसाइक्लिक इज इम्पॉर्टेंट, ओके? एंड इट इज़ ऑल्सो अ टॉपिक विच एड्स टू योर मार्क्स. उसके अलावा है असिमेट्रिक सिंथेसिस विच इज़ वेरी वेरी रिपीटेड. इवेंस ऑक्स एज ऑलरेडी नोन, शार्पलेस इपॉक्सीडेशन, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ओके? सो डेफिनेटली फॉर दोज हु ऑलरेडी हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन रिएजेंट्स, उनके लिए ही ये टॉपिक काम करेंगे. अगर आपको लगता है कि आप ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं पढ़ते हो और फिर ये टॉपिक आपके लिए बहुत सारे मार्क्स आपको दे देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता. यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द बेसिक एंड देन यू बिल्ड अप बाय यूजिंग लिटिल लिटिल कॉन्सेप्ट्स एंड एनहांस योर मार्क्स, ओके? सो बेसिक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कोई हालत में भी ऑर्गेनिक स्किप नहीं कर सकते हो. सो आई सी यू ऑल सून फॉर मेकिंग ऑर्गेनिक ईजी. जॉइन माई ऐप रसायन अकेडमी.